हमारे इस बेदबाजी मुकाबले के जो मुनसिफ हैं आज के, हम नहायत मशकूर हैं, ममनून हैं। पिछले साल भी तशरीफ़ लाए थे कराची के मशहूर मारूफ शायर, और हर साल हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनको बुलाने से पहले मैं चाहूँगा कि जब वो आए तो अपना मुख्तसर सा कलाम और चंद बातें अज़राए नसीहत या कुछ कमी कोताही हों और वो हमें उससे उनसे मुतले फरमा दें। तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम जनाब अजमल सिराज साहब। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, साथियों, नौजवानों, यहाँ जो दो प्रोग्राम हुए हैं अभी, एक तो बच्चों ने अपनी शायरी सुनाई और दूसरे एक ऐसा बैतबाजी का मुकाबला हुआ कि जो सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब और मकबूल था, मनकूल था। ये बात के हम नातिया अदब से बैतबाजी करें तो मुश्किल पेश आएगी, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बाकी जो नौजवान यहाँ अशार सुना रहे थे, उस शेर का मामला बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। और किसी भी चीज को लिखकर ये समझ लेना कि ये शेर है, ऐसा वो भी शेर नहीं है। अब यहाँ मैंने जो फैसले किए हैं बच्चों के, मैं वो ये बात कहना चाहता था बतौर खास, वो बात ये है कि कमोबेश एक जैसे थे शेर कहने वाले, लेकिन उनमें जिस बच्चे ने उसके मिसरे ज्यादा पैर में थे उसको मैंने शायद ज्यादा नंबर दिए हो। यानी मैंने तो टोटल नहीं देखा, मैं तो मार्क्स देता जा रहा था, तो उस बच्चे को मैंने नंबर ज्यादा दिए होंगे। उसकी वजह यह है कि शेर बहुत सारी जुज़ियात का मजमूआ है, शायरी, शेर, गजल, नज्म, सिर्फ एहसासात नहीं, सिर्फ जज्बात नहीं, सिर्फ अफकार नहीं, यानी ये तो एलिमेंट्स हैं इसके, कि एहसास हो, जज्बा हो, फिक्र हो, मगर कोई भी कुल नहीं है। यानी एक साहब का कलाम बहुत फिक्री है लेकिन उसमें कोई जज्बा नहीं है, कोई एहसास की रमक नहीं है, तो वो भी शेर के शेर नहीं बनता। तो शेर बिल्कुल ऐसे बनता है जैसे कोई भी चीज अपनी कुल्लियत में जब आप उसको देखेंगे, खुद आपका वजूद, खुद आपका वजूद जैसे तख्लीक है, शेर की इस तरह की तख्लीक है कि जब उसके तमाम अज्जा मुसलमानों नमाजों के लिए तैयार हो जाओ, कयामत आने वाली है जरा होशियार हो जाओ, ये शेर नहीं है, ये एक बात है जिसको वजन में लिख दिया है। आप देखेंगे कभी अल्लामा इकबाल इस तरह से बात नहीं करते, वो इस तरह के शेर नहीं कहते जैसे ये शेर है। तो इस बात को भी समझे आप। और मैं बतौर खास उन बच्चों से मुखातिब हूं जो इन बच्चों में अदब की तरफ रग़बत रखते हैं, कि अगर वो शेर कहना चाहते हैं, नज़में कहना चाहते हैं, गज़लें कहना चाहते हैं, तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा, उन्हें पढ़ना पड़ेगा, और उन्हें नेट पे नहीं पढ़ना पड़ेगा, उन्हें लाइब्रेरी में पढ़ना पड़ेगा, अपने घर में बिस्तर पे उनके किताब होगी कुलियात इकबाल, उनके घर में गालिब का दीवान होगा, उनके घर में मीर की छह जिल्दें होंगी, अगर उनको
शेर से कोई नाता है, अगर वो ये इस ऐप के फेसबुक के शायरों को अगर वो पढ़ते हैं और जो पोस्ट आती है उनके फोन में या उनके घर वालों के वो पढ़ते हैं, तो वो फिर बहरहाल ऐसे ही रहेंगे कि बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगी कोई शायर जब उनका का नाम सुनेगा। तो ये बात मैं कहना चाहता था कि आप लोग जरूर शेर कहें और इस तरफ आए, मगर इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत भी नहीं, शुरू करना पड़ेगा। बहुत गलत मैं निकाल दिया मैंने फौरन, इसके लिए आपको एक आगाज ले आगाज करना पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं है। एक कदम आप उठाएंगे फिर अल्लाह ताला आपकी नियतों को दुरुस्त रखे, अगले कदम जो है वो खुद ये हवाएं लेके चल पड़ती हैं। तो बहुत शुक्रिया। दूसरी जो बैतबाजी हुई, अब हम उसकी तरफ आते हैं, तो बैतबाजी में बैतुस्सलाम के बच्चों ने सेहत के साथ शेर सुनाए हैं। नंबर में देता जा रहा था, मुझे लगता है कि टोटल में उन्हीं का नाम आया होगा, बाकी दो भी जो है उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनाए, बहुत अच्छे। दूसरी टीम जो बैठी थी मारबाजी, तीसरी टीम जो थी यहाँ हीरा फाउंडेशन, इस सब ने बहुत अच्छे शेर सुनाए हैं। और किसी हर्फ से कोई शेर याद ना आना कोई ऐसी बात नहीं है, बस ये है कि शेर को शेर की सेहत के साथ सुनाना, यानी उसको बहर में वजन में जिस जगह वहाँ पर इशारा है रुकने का वहाँ रुकना, जिस लफ्ज पे स्ट्रेस देना है जोर देना है उसको जोर देना, जिस लफ्ज से गुजर जाना है उससे गुजर जाना, ये एक हुस्न बयान। और बहुत अच्छा अच्छा लगा मुझे बच्चों का, सबका, तीनों टीमों ने बहुत अच्छे अंदाज में शेर सुनाए, बहुत लुत्फ आया। बाकी जो गज़ल की फरमाइश या कुछ शेर सुनाने की, मैं आप लोगों से एक नज़्म शेयर करता हूँ जो मैंने लिखी थी 17-18 बरस का हूँगा मैं जिस वक्त मैंने वो नज़्म कही थी, और मैं बिल्कुल आप लोगों के इलाके का रहने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊँ कि मैं वो नज़्म मेरे जहन में थी और बहुत देर से उसका ख्याल था, और मैं अपने घर से निकला, हम छत्तीसगढ़ में रहते थे, और चलते चलते मैं के एरिया के पार्क में आ गया। ये 1985 का वाक्य है। तो एक नज़्म लिखी मैंने, उसका उन्वान है पनाह। ये वो दौर था कि जब बहुत सारे शुभात मेरी अकल मुझे बहुत तंग करती थी, और चीज़ों के बारे में ये क्या है वो क्या है, अल्लाह अगर है तो ये हमेशा से है, ये हमेशा क्या होता है, ये एक सवाल है ना कि हमेशा क्या होता है, ये कब शुरू होता है, हमेशा कब शुरू होता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो एक वाले जहन में पैदा होना शुरू होते हैं, तो इनके कुछ 2-4 बरस ऐसे गुजरे मुझ पर बहुत तशकीक के। फिर उसके बाद ये नज़्म मैंने कही, इसका उन्वान है पनाह। कि तुझसे दूरी ना रास आई मुझे, तुझसे दूरी ना रास आई मुझे, साते वसल खींच आई मुझे, तुझसे दूरी ना रास आई मुझे, साते वसल खींच लाई मुझे, भूल बैठा हूं हसरतों का शुमार, भूल बैठा हूं हसरतों का शुमार, एक जैसे हैं अब खिजाओं बहार, भूल बैठा हूं हसरतों का शुमार, एक जैसे हैं अब खिजाओं बहार, चार जानिब थे मौत के आसार, तेरे जल्बों ने जब किया बेदार, दूर होते हुए नजर आए ना तमामी के बेसुकून साए, तुझसे दूरी ना रास आई मुझे, साते वसल खींच लाई मुझे, भूल बैठा हूँ हसरतों का शुमार, एक जैसे हैं अब खिजाओं बहार, चार जानिब थे मौत के आसार, तेरे जल्बों ने जब किया बेदार, दूर होते हुए नजर आए ना तमामी के बेसुकून साए, गुफ्तगू मेरी खामोशी है आज, गुफ्तगू मेरी खामोशी है आज,
मेरी तकमील हो गई है आज, अब से पहले अजीब आलम था, हर नफस एक सदाए मातम था, सामने मेरा अक्से उभम था और मैं आईने पे बरहम था, अब से पहले अजीब आलम था, हर नफस एक सदाए मातम था, सामने मेरा अक्से उभम था और मैं आईने पे बरहम था, मुझमें मौजूद तू मुजस्सम था, गरचे तुझसे मामला कम था, आप अपने से बेखबर था मैं, खुश होता हुआ शजर था मैं, जिंदगी की पनाह में आया जब तेरी बारगाह में।